आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल के अधिकारियों तथा 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया नियुक्ति पत्र। गोरखपुर में 11 चयनित युवक युवतियों को दिया गया नियुक्ति पत्र। SSP ने लोगों से की अपील, कहा कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाएं बकरीद का पर्व, लगाएं मास्क, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, रहें सुरक्षित। जनपद के 20 ब्लॉकों के नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को 20 जुलाई को दिलाई जाएगी शपथ। CDO ने बताया संबंधित अधिकारी ब्लॉक प्रमुखों को शपथ दिलाएंगे और ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। 48 घंटे हुई बारिश से हुए जल भराव वाले 144 स्थानों को नगर निगम ने किया चिन्हित। नगर आयुक्त ने कहा चिन्हित स्थलों पर पंपिंग सेट लगाकर जल निकासी की जाएगी व्यवस्था। अव्यवस्थित कॉलोनियों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से होता है जल भराव। 3000 करोड़ रुपए में तैयार होगा ड्रेनेज सिस्टम, जल भराव से मिलेगी मुक्ति। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति सद्भावना की बैठक। बकरीद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा आपसी भाईचारे के साथ सौहार्द पूर्वक मनाए त्यौहार, करें कोविड नियमों का पालन, रहें सुरक्षित। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विभागीय समीक्षा बैठक। CDO ने विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में संपन्न हुई विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ सुरक्षा के दृष्टिगत दुकानों में CCTV कैमरे लगाने के लिए दिए निर्देश। ADM फाइनेंस की अध्यक्षता में संपन्न हुई वायु प्रदूषण के रोकथाम संबंधित बैठक। साफ सफाई और वृक्षारोपण कर वायु प्रदूषण के नियंत्रण की बनी रणनीति। ऑपरेशन 15 व ऑपरेशन तमंचा के तहत बांसगांव पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर में सोमवार को मिले 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,341। अब तक 847 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 40वें एक्टिव मरीज CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला औद्यानिक समिति एवं माइक्रो इरिगेशन समिति की बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बकरीद पर्व के मद्देनजर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई सुपरवाइजरों और अधिकारियों की बैठक। ईदगाहों, मस्जिदों और वार्डों में साफ सफाई के दिए निर्देश। सोमवार को जिला अस्पताल CSC बसंतपुर सहित 68 केंद्रों पर 18,917 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। CMO ने कहा अब तक कुल 11 लाख से ऊपर लोगों को किया जा चुका है वैक्सीनेशन, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन के तहत ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड इथनोबॉटनी, एक्सप्लोरिंग न्यू होराइजंस इन ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन विषय पर 2 दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। पारंपरिक आयुर्वेदिक नुस्खों और दवाओं के वैज्ञानिक प्रयोगों पर हुई चर्चा। सूत्रीय मांग को लेकर वित्त विहीन प्रबंधक संघ ने सौंपा ज्ञापन। विद्यालय खोलने की अनुमति की लगाई गुहार, कहा भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं वित्त विहीन शिक्षक। शासन के निर्देश पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा कोरोना नाइट कर्फ्यू। SPCT ने कहा कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, रहें सुरक्षित। और मानसून कमजोर होने से नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में रुक रुक कर हो सकती है बारिश।